बिग बॉस OTT सीजन 2 का खुमार अभी तक फैंस के सिर से उतरा ही नहीं था कि भाई बिग बॉस OTT सीजन 3 की अनाउंसमेंट हो गई। अनाउंसमेंट में सामने आया कि भाई जल्द ही ये सीजन आने वाला है, लेकिन 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 अगर आप भी हैं बिग बॉस के दीवाने तो भाई आपके लिए हम ले आए हैं इस सीजन की प्रीमियर डेट। जी हाँ, जहाँ बिग बॉस OTT सीजन 2 का खुमार अभी तक लोगों के सिर चढ़ा हुआ है, जहाँ लोग अभी भी अल्विश और अभिषेक को लेकर बातें करते हैं कि कौन डिजर्विंग विनर था और कौन रियल विनर, तो भाई अब आ गया है नेक्स्ट सीजन। और नेक्स्ट सीजन इस बार और भी ज्यादा हटके, और भी ज्यादा ग्रैंड और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। इस बात का खास ख्याल रखने वाले हैं मेकर्स। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार के इस सीजन में काफी सारे एक्टर्स के नाम ऑलरेडी सामने आ चुके हैं कि कौन इस बार कंटेस्टेंट्स बनके घर में जा सकते हैं, और ये नाम कोई छोटे मोटे एक्टर्स के नहीं बल्कि काफी बड़े बड़े एक्टर्स के सामने आ रहे हैं। वेल, सबसे पहले बात करें प्रीमियर डेट की, तो एज पर द सोर्सेज 15 मई को इस सीजन का पहला एपिसोड टेलीकास्ट होगा। खबरों की माने तो प्रीमियर होगा 15 मई को, लेकिन हाँ, फिलहाल अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये बातें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सोर्सेज के हवाले से हैं। इंतजार रहेगा कि फाइनल कंफर्मेशन कब आता है सलमान खान के धमाकेदार टीजर के साथ। लेकिन अगर बात करें कंटेस्टेंट्स की, तो भाई नाम सामने आए हैं शहजादा धामी, मैक्सटन और निया शर्मा का। दरअसल हर कोई जानता है कि बिग बॉस के घर में कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स को बुलाया जाता है। कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज जो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर, उन्हें बिग बॉस इनवाइट करते हैं अपने घर के लिए। ऐसे में शहजादा धामी, जो रिसेंटली ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल की वजह से लाइमलाइट में रहे, उनका नाम सामने आया है कि वो इस बार बिग बॉस के घर में जा सकते हैं। अगला नाम मैक्सटन का इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अल्विश यादव के साथ की उनकी कॉन्ट्रोवर्सी काफ़ी लाइमलाइट में रही, और इस वजह से लोगों ने कहा कि मैक्सटन का जाना तो पक्का है। क्योंकि आपको बता दें कि बिग बॉस OTT सीजन 2 में जब से यूट्यूबर्स ने एंट्री मारी है, तो कई और यूट्यूबर्स के लिए बिग बॉस के दरवाजे खुल गए हैं। इसके बाद बात करें निया शर्मा की, तो निया शर्मा को लेकर ये खबरें अक्सर आती रही हैं कि उन्हें हर साल बिग बॉस ऑफर किया जाता है लेकिन एक्ट्रेस मना कर देती हैं, लेकिन इस बार निया शर्मा शो में आ सकती हैं क्योंकि पिछला सीजन काफी हिट रहा था, तो इस वजह से लोगों को इस बार काफी बड़ी उम्मीदें हैं। फिलहाल दोस्तों प्रीमियर डेट तो हमने आपको बता दी है, और कुछ हाइप्ड कंटेस्टेंट्स के नाम भी बता दिए हैं कि किन का नाम इस वक्त काफी ज्यादा जोरों शोरों से है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या कुछ है कहना, आप कितने एक्साइटेड हैं बिग बॉस OTT सीजन 3 के लिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट।